हेलो व्यूअर, वेलकम टू फार्मा डिजिटल एंड प्लीज सब्सक्राइब अस। एंड हियर इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द हिस्टामिन एंटागोनिस्ट और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंड हियर इन दिस वीडियो वी ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग व्हिच ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर, और सिंपली वी हियर डिस्कस अबाउट द H1 एंटी एंटागोनिस्ट। So first you know the definitions. Antihistaminic drug are that type of drug which prevent the binding of histamine to its respective receptor. Means यहाँ पे बोला गया है कि histamine antagonist एक ऐसी categories of drug है जो कि histamine को उसके receptor के साथ bind होने नहीं देगा, क्योंकि जब histamine अपने receptor के साथ ज़्यादा bind होने लगता है तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, आस्थमेटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ये जो सिम्टम है वो दिखाता है। एंड देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एज यू डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, लाइक H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर। एंड एमंग हुईच H1 एंड H2 दीज टू टाइप ऑफ रिसेप्टर आर मोस्टली इम्पोर्टेंट, बिकॉज दीज H1 रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस and H2 receptor are responsible for the severe hypersecretion of the GIT. So here in this video we briefly discuss about the drug which produce as a H1 antagonist, and it is also called as conventional antihistaminic drug because it is the older generation of drug and it able to more sedation, more drowsiness. That's why it is called as conventional antihistaminic drug, and it block the action of histamine to bind its H1 receptor, and therefore these H1 receptor and because when these histamine bind to these H1 receptor they produce allergy. तो यहाँ पे ये जो drug है वो हिस्टामाइन को H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होने नहीं देगा, उसकी वजह से जो एलर्जिक स्टिमुलेशन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। ये H1 एंटागोनिस्ट ड्रग को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव। एंड फर्स्ट वन इज दिस हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव, दीज आर द ड्रग विच आर कॉम्स अंडर द फर्स्ट जनरेशन ड्रग। देर आर ऑल्सो सम सेकेंड जनरेशन ड्रग आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग। तो पहले देखते हैं हाईली सेडेटिव ड्रग क्या है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, सेडेटिव मीन्स सिंपली ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस प्रोवाइड करेगा, और इसका एक ऑल्टरनेटिव टर्म रहता है जो कि हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल स्लीप प्रोवाइड करेगा, ये तुम्हें नेचुरल स्लीप नहीं, यहाँ पे ड्राउजीनेस और ब्रेन डिप्रेशन कराएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो ड्रग है वो हाईली ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करेगा। एंड यहाँ पे इसका ड्रग कैटेगरीज लाइक के डाइफेन, हाइड्रामाइन, इसका जो बेसिक डोज है वो 25 से 50 mg ओरली लिया जाता है, और ये मार्केटेड है बेनाड्राइल 25-50 mg कैप्सूल के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। वैसे ही प्रोमिथाजिन 25 से 50 mg ओरली उसका डोज है, और इंट्रामस्कुलरी 1 mg पर kg के हिसाब से डोज रहता है। एंड फेनेग्रान ब्रांड के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। वैसे ही हाइड्रोक्सीजाइन जो ड्रग है वो 25 से 50 mg ओरली लिया जाता है, और इंट्रामस्कुलरली भी लिया जाता है, और एटारक्स ब्रांड के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। वैसे ही मॉडरेटली सेडेटिव मीन्स ये हाईली सेडेटिव ड्रग के कंपेयर में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को कम पेनिट्रेट करेगा, मीन्स एज कम्पेयर टू हाईली सेडेटिव ड्रग, दिस ड्रग आर एबल टू प्रोड्यूस लेस सेडेशन, लेस ड्राउजीनेस एज कम्पेयर टू हाईली सेडेटिव ड्रग। एंड यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो है फेनिरामाइन, एंड इसका जो डोज है वो 25 से 50 mg ओरली रहता है, एंड इसका एविल मार्केटेड में एविल ब्रांड के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल रहता है। वैसे ही सिनारिजिन एक ड्रग है जो कि 25 से 50 mg ओरली उसका डोज रहता है, एंड स्टुगेरॉन्स एंड वर्टिगोन ये ब्रांड के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। वैसे ही माइल्ड सेडेटिव ड्रग मीन्स ये
तीन कैटेगरीज ऑफ ड्रग में से ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत लेस अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता है। एंड इसके कैटेगरीज में ड्रग आते हैं जैसे कि क्लोरफेनिरामाइन 2 से 4 mg 0.1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओरली और इंट्रामस्कुलर उसके डोज में लिया जाता है। पीरिटोन एंड कार्डिस्टीन जैसे ब्रांड नेम में ये मार्केट में अवेलेबल है। एंड डेक्सक्लोरफेनिरामाइन ये इसका क्लोरफेनिरामाइन का अपग्रेडेड फॉर्म है और इसका जो डोज है वो 2 mg ओरली एंड पोलारामाइन नाम का ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग, मीन्स यहाँ पे जो मैंने हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्डली सेडेटिव ड्रग जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो है फर्स्ट जनरेशन ड्रग, मीन्स ओल्डर जनरेशन ड्रग भी हम बोल सकते हैं। वैसे ये सेकेंड जनरेशन ड्रग जो है वो फर्स्ट जनरेशन ड्रग का अपग्रेडेड फॉर्म है, मीन्स यहाँ पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ही मिनिमल रहेगा और नेग्लिजिबल रहेगा और सेडेशन उसकी वजह से कम प्रोवाइड करेगा, ड्राउजीनेस कम प्रोवाइड करेगा, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ड्रग। एंड यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ड्रग का यहाँ पर चार्ट देख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड इसका जो ड्रग है वो फेक्सोफेनाडाइन 120 से 180 mg ओरली के डोज में आता है। इलाग्रा, ऑल्टाइवा, फिक्जो नाम के ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल है। सेट्रिजिन एंड लेबोसेट्रिजिन ड्रग तो तुम लोगों ने सुना होगा, 10 mg ओरली लेबोसेट्रिजिन का जो डोज है वो रहता है। एलेरीड, सेट्रिजाइन, जिटाइन, सिजोन ये नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और सेट्रिजिन का जो अपग्रेडेड फॉर्म है वो है लेबोसेट्रिजिन और लेबोसेट्रिजिन जो है वो 5 से 10 mg ओरली लिया जाता है। लेबोसीज, लेबोरीड, टेक्जाइन ये डिफरेंट नाम के ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल है। मीन्स यहाँ पे सिंपली तुम्हें समझना होगा कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग जो है वो ओल्डर जनरेशन ड्रग है, वो बहुत ज़्यादा सेडेशन प्रोवाइड करता है, ड्राउजीनेस प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ड्रग जो है वो अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ ड्रग है, मीन्स ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ड्रग। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन शोइंग बाय द फर्स्ट वन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंड द फर्स्ट कैटेगरीज और फर्स्ट सब कैटेगरीज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज एंटागोनिजन ऑफ हिस्टामाइन्स। एंड हियर द ड्रग कैटेगरीज सिंपली ब्लॉक द हिस्टामाइन दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लॉक द ट्रिपल रेस्पॉन्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या होता है। ट्रिपल रेस्पॉन्स में पहले जो है ये रेड लाइन एक क्रिएट होता है, उसके साइड वाला टिश्यू जो है वो स्वेल हो जाता है एंड उसके बाद जो है वो व्हाइट फ्लूइड जो है वो रिलीज करता है। तो ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। एंड ये एलर्जिक रिएक्शन को भी कम करता है, जैसे कि यहाँ पे इचिंग, खुजली को कम करता है। अर्टिकारिया मीन्स रेड पैचेस ऑल ओवर द बॉडी, यहाँ पे ऐसे ऐसे पैचेस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एंजियोएडेमा, यहाँ पे दो टर्म है, एडेमा एंड ओडिमा। इसका मतलब होता है स्वेलिंग प्लस फ्लूइड डिपोजिशन, इसका मतलब होता है एडेमा। यहाँ पे एंजियोएडेमा मीन्स यहाँ पे स्किन स्वेलिंग होगा और फ्लूइड डिपोजिट होगा। वैसे ही रहता है पल्मोनरी एडेमा, पल्मोनरी मीन्स लंग्स जो है, लंग्स का जो टिश्यू है वो स्वेल हो जाएगा एंड उसमें फ्लूइड जो है वो डिपोजिट होगा। तो सिंपली यहाँ पे ओडिमा का टर्म होता है स्वेलिंग प्लस फ्लूइड डिपोजिशन। वैसे ही CNS में ये क्या इफेक्ट दिखाता है देखते हैं। दीज आर द ओल्ड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस मोर सेडेशंस बिकॉज इट एबिलिटी टू पेनिट्रेट मोर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट इज ए ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए बायोलॉजिकल बैरियर व्हिच डिसाइड दैट व्हिच मटेरियल इज एंटर्स टू ब्रेन थ्रू ब्लड एंड व्हिच मटेरियल डजंट एंटर टू ब्रेन। मीन्स यहाँ पे कौन सा मटेरियल जो है वो ब्रेन को एंटर करेगा, ब्रेन से प्रिवेंट करेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डिसाइड करता है। मीन्स जितना ज़्यादा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा सेडेशन ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इट एबल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस CNS डिप्रेशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज कोऑर्डिनेशन। मीन्स जैसे कि तुम चल रहे होगे तो तुम्हारा बैलेंस हिल जाएगा, मीन्स ये जो बॉडी का जो संतुलन रहता है वो उसको भी ये हैम्पर करेगा। नेक्स्ट आते हैं एंटी मोशन सिकनेस प्लस एंटी इमेटिक ड्रग। एंटी इमेटिक ड्रग और एंटी मोशन सिकनेस के हिसाब से भी यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मीन्स जैसे कि किसी किसी को जो है
गाड़ी में चलते वक्त उल्टी होता है, पहाड़ में चलते वक्त और ऊंचाई वाले जगह में चलते वक्त वो सर चकराता है, तो वो ये जो जब हमारा बॉडी जो है वो मोशन कर रहा होगा तो कुछ इलनेस तुम्हें फील होगा, तो वो होता है मोशन सिकनेस। एंड इसकी प्रोमिथाजिन एंड डाइफेन हाइड्रामाइन जैसे ड्रग जो है वो हम एक घंटा पहले, ट्रैवलिंग के एक घंटा पहले हम ले सकते हैं ये मोशन सिकनेस से हम बचने के लिए। नेक्स्ट आते हैं एंटी पार्किंसोनिज्म। एंटी पार्किंसोनिज्म के हिसाब से पार्किंसन का जो इफेक्ट अटैक आता है उसको भी ये H1 एंटी एंटागोनिस्ट ड्रग जो है वो रोकता है, जैसे कि प्रोमिथाजिन डिक्रीज ट्रीमर, मीन्स जो ट्रेवलिंग एक्शन रहता है, जो हाथ पैर हिलते रहते हैं वो उसका एक्शन को भी कम करता है। नेक्स्ट वन इज हाउ दिस ड्रग इफेक्ट द ब्लड प्रेशर। एंड मोस्टली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कॉज फॉल इन बीपी व्हेन इट इंजेक्टेड इंट्रा वैस्कुलरली एंड डायरेक्टली स्मूथ मसल्स रिलैक्स। यहाँ पे देखो अगर ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के हिसाब से ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को लिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट वन इज हाउएवर दिस इज नॉट एविडेंट ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि अगर हम ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इंट्रावास्कुलरली ले रहे हैं तो तभी ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, ना कि ओरल। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है उसका मैकेनिज्म एक्शन इस ड्रग का एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। ये जो है मार्सल और मार्सल के अंदर ये जो है देख सकते हो मार्सल के अंदर जो है हिस्टामाइन रहता है। अगर कोई एलर्जन हमें इस अटैक करता है तो ये मार्सल जो है वो रॉप्चर हो जाता है। यहाँ पे हिस्टामाइन रॉप्चर हो रहा है एंड ये जो ड्रग है यहाँ पे हिस्टामाइन जो है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की वजह से ये जो स्टिमुलेशन सिग्नल जनरेट करेगा, पेन का सेंसेशन जनरेट करेगा और ये नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन को पहुँचेगा और हमें एलर्जिक रिएक्शंस पेन सेंसेशन जो है हमें फील कराएगा। अगर यहाँ पे हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं तो ये हिस्टामाइन जो है और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। यहाँ पे हिस्टामाइन जो है वो यहाँ पे बाइंड हो नहीं पाएगा, यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बाइंड हो जाएगा एंड उसकी वजह से हिस्टामाइन से जो हमें एलर्जिक रिएक्शन इचिंग जैसे जो सेंसेशन हमें मिलता था यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर इट्स फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट। एंड फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट मींस बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है ड्रग को लेके। ये जो है ओरली एंड पेरेंटरली ठीक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर में एंड एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। एंड दीज आर द ड्रग विच आर एबल टू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट इज एंटर द ब्रेन। मीन्स यहाँ पे सिंपल ये जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बेरियर। देन द न्यूअर कॉम्पाउंड्स पेनिट्रेट ब्रेन पुअरली, मीन्स जैसे कि सेकेंड जनरेशन ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पेनिट्रेट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ड्रग। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज ऑफ मोस्ट एजेंट इज 4 to 6 hours, मीन्स हम एक बार ड्रग लेते हैं तो कितना घंटा तक उसका एक्शन दिखाएगा, 4 to 6 hours तक ज़्यादातर ड्रग जो है H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग उसका एक्शन रहता है। लेकिन मैक्लिजीन, लोराटीडाइन, सेट्रिजाइन, फेक्जोफेनाडिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लंबा रहता है, मीन्स लगभग 4 times रहता है ये बाकी एजेंट के कंपेयर में। जैसे कि ये बाकी एजेंट जो है नॉर्मली 4 to 6 hours उसका एक्शन दिखाता है लेकिन यहाँ पे 12 to 24 hours का एक्शन दिखा रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट भी रहता है, मीन्स एवरी ड्रग हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। मीन्स कोई भी ड्रग जो है अगर हम लंबा पीरियड और मोर देन ए मंथ, मोर देन ए ईयर अगर हम यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो है वो दिखाता है। इसीलिए बोला जाता है कि छोटे छोटे अटैक में, छोटे छोटे इन्फेक्शन में हमें मेडिसिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे कमजोर कर देता है। इसका कुछ H1 एंटी हिस्टामिनिक का कुछ साइड इफेक्ट रहता है, मींस ड्राइनेस ऑफ माउथ, अल्टरेशन ऑफ बाउल मूवमेंट्स, देन यूरिनरी हेजिटेंसी मींस डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, देन ब्लरी विजन मींस इट डिसरप्ट द क्लियर विजन ऑफ द आई, देन मोटर व्हीकल्स और मशीनरी रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट अटेंशन, मींस ये ड्रग लेके अगर हम
बाइक चला रहे हैं और कुछ मशीनरी इक्विपमेंट चला रहे हैं तो ये हमें दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि ये सेडेशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, ये डिप्रेस करता है, नींद सा फील कराता है, इसीलिए ज़्यादातर ये जो ड्रग है बोला जाता है कि रात में लेना चाहिए सोते वक्त, क्योंकि ये स्लीपीनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज सेडेनस सेडेशन ड्यू टू पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्रोड्यूस सेडेशन इट डिमिनिश द अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, मीन्स तुम्हें ये फोकस करने में और अलर्टनेस माइंड अलर्टनेस करने में भी ये हमें हैम्पर कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियोज टॉपिक H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग एंड हियर वी बेसिकली कवर द फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंड प्लीज लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज रजिस्टर योर कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।